दोस्तों मैं आज आपके लिए 8 जून की वन लाइनर करंट अफेयर्स ले आया हूं, जो कि बैंक एसएससी रेलवे के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छी बात यह है इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रैंडलर ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दो ज्लाटन इब्राहिमोविक ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तीन धनुष श्रीकांत ने आई एसएसएफ जूनियर विश्व कप में जर्मनी के सुहल में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण जीता। चार सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीबा विश्व कप 2023 जीता, जो ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। पांच ईरान ने 1400 किलोमीटर की रेंज वाली पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया। छह निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सात एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूपीआई भुगतान की सुविधा के लिए कीवी ऐप से हाथ मिलाया। आठ इसराइल ने स्वायत्त फ्लाइंग टैक्सी का पहला परीक्षण किया। नौ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय द्वारा संकलित पुस्तक अमृतकाल की ओर का विमोचन किया। दस के गोपालकृष्णन ने हाल ही में कथकली डांस थिएटर के विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नामक एक आकर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। 11 हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र यूएन रशियन लैंग्वेज डे मनाता है। 12 विश्व कीट दिवस, जिसे विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में 6 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 13 लेखक शांतनु गुप्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। 14 केंद्र प्राथमिक कृषि साख समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देता है। 15 एमपी सरकार सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू करेगी। 16 उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन योजना शुरू की। 17 कर्नाटक ने तमिलनाडु से अपनी प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना में सहायता करने का आग्रह किया है। 18 चक्रवात बिपरजॉय के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। चक्रवात को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ बंगाली में आपदा होता है। 19 युवाओं को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए साइबर शिक्षा प्रोग्राम शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 20 नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा, 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 21 रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी डीएफओ जगदीश बाकन ने यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। 22 रैकेट ने अपने डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के तहत उत्तरकाशी उत्तराखंड में पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन किया। 23 दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी की चपेट में आ गया है। 24 भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 और 2021 से 2022 के बीच सुरक्षा उपायों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिसमें ट्रैक नवीनीकरण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। 25 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर बैंकिंग सेक्टर पर G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 26 श्रीलंका 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण प्राप्त करने के लिए तैयार है। 27 राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए ईरान सऊदी अरब में अपने राजनयिक मिशन फिर से खोलेगा। 28 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने निवेश के लिए तैयार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की एक पाइपलाइन विकसित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 29 भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A पर 22वें विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करते हुए राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। 30 विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए इमर्सिव इनोवेशन एक्सपीरियंस लॉन्च किया। 31 गूगल, तेमासेक और बैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड इंडियंस शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जो 2022 में $175 बिलियन थी। 32 कोटक प्राइवेट ने अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक सेविंग्स प्रोग्राम रिजर्व लॉन्च किया। 33 यस सिक्योरिटीज ने हेल्थ केयर पेशेवरों को निवेश समाधान प्रदान करने के लिए वॉच योर हेल्थ के साथ साझेदारी की घोषणा की। 34 HDFC बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया। 35 एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके UPI भुगतान की सुविधा के लिए कीवी ऐप से हाथ मिलाया। 36 बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नकद निकासी के लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विथड्रॉल सुविधा शुरू की।
सेंट ईस्ट HSBC इंडिया ने नए विज्ञापन अभियान मेरा खाता आज से शुरू होता है का अनावरण किया, जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली उनके नए ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में शामिल हैं। 38 भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.5 से 6.7% की सीमा में बढ़ने का अनुमान लगाया है। 39 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप EPFO के तहत पेंशन, प्रोविडेंट फंड और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला और इसका PDF कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।